गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ चैप्टर सेवन फोर्स वर्क एंड एनर्जी चल रहा था। फोर्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आज हम वर्क पढ़ेंगे। वर्क वर्क वी से दैट वर्क इज़ डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट रिजल्टिंग इन इट्स मूवमेंट थ्रू अ डिस्टेंस। हम ये कहते हैं कि वर्क इज़ डन, काम होता है उस ऑब्जेक्ट पर जिस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है और उसके रिजल्ट में उस ऑब्जेक्ट का मूवमेंट किसी दूरी से होता है। इमेजिन, ये कल्पना कीजिए, इफ़ यू कीप अ ब्रिक ऑन योर हेड, कि आप एक ईंट को अपने सिर पर रखते हैं एंड स्टैंड फॉर आवर्स इन द सेम पोजिशन, और एक ही पोजिशन में घंटों तक खड़े रहते हैं। यू विल फील टायर्ड आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद आप थका हुआ महसूस करेंगे, एंड विल मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट टू जस्ट स्टैंड विद द ब्रिक ऑन योर हेड, और उस ब्रिक को अपने सिर पर रखे रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। हाउएवर यू हैव नॉट डन एनी वर्क अकॉर्डिंग टू साइंस, और साइंस के अकॉर्डिंग आप कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं, एज देर वॉज नो मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन दिस केस, क्योंकि इस केस में कोई भी मूवमेंट किसी ऑब्जेक्ट का नहीं हो रहा है। वर्क इज, यहाँ पर वही एग्जाम्पल दिया गया है, नो वर्क डन, ब्रेक उसने हाथ में ले रखी है लेकिन फिर भी कोई भी काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर बॉल को किक मारी है तो बॉल एक ऑब्जेक्ट है, उसमें मूवमेंट हुआ है, इसलिए वर्क डन हुआ। वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन देयर इज मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। वर्क, काम हुआ ये तभी माना जाता है जब किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है जिस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। वर्क इज़ डन व्हेन यू लिफ्ट योर स्कूल बैग, वर्क होता है जब आप अपना स्कूल बैग उठाते हैं, ओपन और क्लोज अ डोर, दरवाज़ा खोलते या बंद करते हैं, किसी बॉल में किक मारते हैं या किसी स्विंग पर प्ले करते हैं। वर्क कैन बी कैलकुलेटेड बाई मल्टीप्लाइंग द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। वर्क को कैलकुलेट किया जा सकता है उस फोर्स के जरिए जो कि ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया गया, विद द डिस्टेंस मूव्ड बाई द ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के जितनी दूरी तक वो ऑब्जेक्ट मूव किया उसको मल्टीप्लाई करके। वर्क इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई डिस्टेंस मूव्ड बाई द ऑब्जेक्ट, वो डिस्टेंस जितना कि ऑब्जेक्ट मूव हुआ और वो फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हुआ। नेक्स्ट है सिंपल मशीन्स। सिंस द ओल्डन टाइम्स, पुराने समय से वी हैव बीन यूजिंग डिफरेंट टूल्स टू मेक अवर वर्क ईजियर। हम अलग अलग औजारों का यूज़ करते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ अ बॉटल ओपनर टू ओपन द लिड्स, किसी बॉटल का लिड ओपन करने के लिए बॉटल ओपनर का यूज़ करते हैं। अ नाइफ टू कट वेजिटेबल्स, एक चाकू का यूज़ करते हैं वेजिटेबल्स कट करने में। अ हैमर टू पुट ए नेल, नेल मीन्स कील, किसी कील को ठोकने के लिए हैमर का यूज़ किया जाता है। दो दीज टूल्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स, और ये टूल्स सिंपल मशीन्स कहलाते हैं। सिंपल मशीन्स हेल्प अस टू, सिंपल मशीन्स हमारी हेल्प करती हैं किस किस में, डू अवर वर्क फास्टर, हमारा काम तेज़ी से करवाने में, डू अवर वर्क विद लेस एफर्ट्स, हमारे काम को कम कोशिश में ही पूरा करने में, डू अवर वर्क विद लेस फोर्स, और हमारे काम को कम बल लगाकर करने में, एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स यूज्ड, और जिस भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स यूज किया जा रहा है उसका डायरेक्शन चेंज करने में। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सिंपल मशीन्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ आर गिवन बिलो। कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो कि हम अपनी एग्जांपल्स सिंपल मशीन्स के जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं वो आपको नीचे बताए जा रहे हैं। फर्स्ट है लीवर, पुले, व्हील एंड एक्सल, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू और वेज। लेट अस रीड अबाउट दीज सिंपल मशीन्स। सबसे फर्स्ट है लीवर। लीवर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सीसो, जो कि आपने बहुत बार यूज किया होगा। अ लीवर हेल्प्स अस टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स, कट थिंग्स एंड ओपन लिड्स। अ पेयर ऑफ सीजर्स, बॉटल ओपनर एंड अ सीसो आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ लीवर। जो लीवर होता है वो हमारी हेल्प करता है हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने में, किसी चीज़ को कट करने में, किसी लिड को ओपन करने में। और लीवर के बेस्ट एग्जांपल्स हैं सीजर, बॉटल ओपनर, सीसो, कॉमन एग्जांपल्स हैं। सेकंड है पुले। अ व्हील एंड अ रोप मेक अप ए पुले। व्हील और रोप मिलकर
पुले बनाते हैं, इट हेल्प्स अस टू लिफ्ट वेरी हैवी ऑब्जेक्ट्स इजीली, और ये हेल्प करता है बहुत ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने में, मीन्स उठाने में. फॉर एग्जाम्पल, पीपल यूज पुलेज टू ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द वेल्स इन द विलेजेस. गाँव में कुएं से पानी निकालने के लिए लोग इसका यूज़ करते हैं. थर्ड है व्हील एंड एक्सल. एन अरेंजमेंट ऑफ टू सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इज अ व्हील एंड एक्सल. ऐसा अरेंजमेंट सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स का, मतलब गोल ऑब्जेक्ट्स का जो कि साइज में अलग अलग होते हैं, वो होते हैं व्हील और एक्सल. द व्हील इज द लार्जर ऑब्जेक्ट. व्हील जो होता है वो लार्जर ऑब्जेक्ट होता है, वेयर एज द एक्सल इज द स्मॉलर ऑब्जेक्ट. और एक्सल जो होता है वो स्मॉलर ऑब्जेक्ट होता है इन द अरेंजमेंट, उस अरेंजमेंट में. द व्हील रोटेट्स अराउंड द एक्सल. जो व्हील होता है वो एक्सल के चारों तरफ रोटेट होता है, मतलब घूमता है. सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ व्हील एंड एक्सल आर, कॉमन एग्जाम्पल्स व्हील और एक्सल के हैं स्क्रू ड्राइवर, स्टेयरिंग व्हील एंड अ बाइसिकल पैडल. ये तीनों ही आपने देखे होंगे. स्क्रू ड्राइवर मीन्स पेचकस. स्टेयरिंग व्हील जो फोर व्हीलर कार जो होती है उसका व्हील जो होता है वो, और बाइसिकल पैडल. हर बच्चे के पास बाइसिकल होगी जिसमें आपने पैडल, जिसकी जिसमें आपके पास पैडल होगा. यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है व्हील और एक्सल का, पिक्चर दे रखा है. ये हमारा व्हील है और ये जो रॉड है ये एक्सल है. दैट्स ऑल फॉर टुडे.